छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण मतदान करने की जिम्मेदारी का भार उठाते हुए छत्तीसगढ़ की पुलिस पड़ोसी राज्यों की पुलिस से सहयोग लिए और आपसी तालमेल से शांतिपूर्ण मतदान करने को पूरी तरह से तैयार है। पुलिस अधीक्षक टीआर कोसीमा के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अविनाश सिंह ठाकुर ने अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों से बॉर्डर मीटिंग का सहयोग मांगा है। दरअसल बलरामपुर जिला 3 राज्यों की सीमा को छूती है, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। वैसे यहाँ पर ना तो हवाई यातायात है ना ही ट्रेन चलती है। इन राज्यों से बलरामपुर जिले में अगर प्रवेश करना है तो सड़क के रास्ते से ही आना होगा। चुनाव के मद्देनजर पुलिस हर आने जाने वाले रास्ते पर नजर बनाए हुए है। आगामी विधानसभा को देखते हुए चूँकि वाड्रप नगर जो है एमपी, यूपी, झारखंड तथा हमारे जो सूरजपुर जिला से कनेक्टेड है, तो यहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान करने के लिए वहाँ के अधिकारियों की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारी और हमारे यहाँ के तहसीलदार भी उपस्थित रहे। हमारी विशेष प्राथमिकता यह है कि इलेक्शन अच्छे ढंग से कंडक्ट हो, और इस दौरान हमने लगातार बॉर्डर पर बॉर्डर सील किया है, बॉर्डर में चेक के लिए चेकिंग पॉइंट रखा गया है, ताकि नशीली जो दवाइयाँ हैं, हथियार हैं और अन्य जो चीज़ हैं जो इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, उनके आगमन को रोका जाए और उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस ने बताया कि अभी से ही लगातार बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है और किसी भी तरह की चीजें जो चुनाव को प्रभावित करे उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस बॉर्डर मीटिंग में पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भरपूर सहयोग मिल रहा है। वे भी राज्य के अपने सीमावर्ती इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग करेंगे और अपने छत्तीसगढ़ की पुलिस पेट्रोलिंग के साथ सर्च ऑपरेशन चलाते रहेंगे। इस संबंध में हमने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है, वो अपने एरिया में भी लगातार चेकिंग पॉइंट लगाए हैं और इलेक्शन के लगभग एक हफ्ते पहले लगातार 24 घंटे हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी अल्टरनेट रूप से बॉर्डर के इलाकों में सर्च करेगी, ताकि असामाजिक गतिविधियों को कंट्रोल किया जाए। वहीं बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने पूर्व में ही स्वयं यहां के रास्तों का जायजा लिया है। जिले से पड़ोसी राज्य आने जाने वाले सभी मार्गों का निरीक्षण कर अपने पुलिस बल का मार्गदर्शन कर रहे हैं। For more information, log on to www.clips.in.